काहे रो रहे हैं? हाँ, कह माता जी काहे रो रहे हैं? आप रोइए, हरी जाना छोरा ही था कितना तारीख को काहे रो रहे हैं? हाँ, कह माता जी काहे रो रहे हैं? परीक्षा उतने में सब्जी मिल गए तखनी 8 बजे के बस आप कोई बोला लगे की आदमी लागल रहे अपन साले यार वह लागल रहे साल भर से लड़की के बोलबे जाए तो नहीं आबे सब्जी धमकी दे भाइये देवे की कल के एसपी साहब की कल के रोती बिलखती ये माँ बाप और बेटा ये तीनों एसपी ऑफिस के सामने रोती बिलखती रूप में यहाँ खड़ा है रो रहे हैं। दरअसल बात यह है कि 26 तारीख के को एग्ज़ाम था एसएससी का पटना में, वहाँ पर छोराही पंचायत का एक व्यक्ति गया था वहाँ पर एग्ज़ाम देने के लिए जिसका मनन क्या नाम है मंचन राम नाम है उनका और हाइट 5.6 इंच है हाइट, इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि वो लापता हो गया है पिछले 26 तारीख से। एसएससी की परीक्षा थी, शादीशुदा है और माँ और बेटा और बाप यहाँ बिलख रहा है कि उसका भाई उसका बेटा यहाँ नहीं आया है और गुमशुदा हो गया है। तो चलिए जानते हैं, यहाँ पर एक बिलखती माँ है, आँखों में आंसू भरी है, इनसे हम जानते हैं क्या हुआ। चाची खूब रो रहे हैं। हमारे बेटा कि नहीं सबूत के घर से निकल यहाँ से आ बृहस्पत के परीक्षा दिल्क हमारा बहन बेटो रहे जर में परीक्षा दिलवे गल आ परीक्षा करके अल न तो वह दिन कल के रात रह जो हम जा सब्जी आनै ला आ तो कि न से बिहान चल जाइए बस उजा सब्जी आनल गल ता बस एक फोन से मंगा ललक केना मंगलक कोई उठा के लै गल ससुरारे लोग से धमकी बहुत दे धमकी थी। तो हाँ। अभी क्या हुआ, अभी मामला एसपी ऑफिस आए हैं, कुछ क्या बोला से? अखन हम नहीं हुआ गलिए बुरा गल कहे छे कि पटना जाए के कार्रवाई कर। हाँ, पटना जाए कहे छथिन। क्या हुआ, क्या बोले अंदर प्रशासन भाई? बोले ठीक है पता लगाएंगे। रोक आए रहे हैं पटना जाइए पटना से। इतना रोक आए रहे हैं? उनका ससुराल से बार बार पहले धमकी आता था, यहाँ उल्टा हो गया। लोग सुनते हैं कि लड़की वाला को प्रताड़ित करता है, आपका तो भाई एक प्रताड़ित। कभी 5 बजे सुबह, कभी 10 बजे रात को, 10-10 को 5-5 को आ जाता था। ज्यादा ले लिए थे क्या? नहीं, मतलब कुछ एक साल से कुछ मैटर, मतलब मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा का कुछ भी होगा तो मतलब वो भाग भाग के घर से यहाँ आती थी, अपने मन से चले जाती थी। उनको मना करता था गार्जियन है, माँ बाप है, उनसे पूछ के जाओ कम से कम अनाजन। अब बहुत दिन शादी का हो गया, बच्चा भी का संबंध किसी और से था। चलिए यहाँ सारे यहाँ पर आरोप यहाँ उल्टा है। यहाँ पर कहा जाता है कि लड़की का मैटर रहता है जो परिवार लड़कों वालों पर प्रत्यारोप लगाती है लड़की वाले, लेकिन यहाँ उल्टा चल रहा है जहाँ लड़के वाले कह रहे हैं कि लड़की वाले के तरफ से कुछ गलती हो सकती है। और ये आए थे यहाँ पर बेगूसराय एसपी सर के यहाँ गुहार लगाने, जो कि मुझे लगता है कि नाकामी मिली इनको, क्योंकि बोल रहे हैं वो कि पटना में जाकर वहाँ पर कंप्लेन कीजिए फिर यहाँ आइए, लेकिन 5 दिन 6 दिन से लापता लोग, अब आखिर कहाँ होगा नहीं होगा। तो जो भी दर्शक देख रहे हैं इसका स्क्रीन पर फोटो दिया गया है, अगर कहीं संदिग्ध रूप में देखे या जीवित रूप में देखे आप उसको इस पते पर पहुंचा दें, इस परिवार से संपर्क करें। इसका इनका भाई है सब बिलख रहा है और दिल रोता है जब कोई ऐसे गायब हो जाता है। 27 साल का उम्र है
और कोई घटना नहीं ना घटा है? तो घटना घट गया होगा कहीं? जी कुछ पता नहीं चल रही अभी। चलिए तो कोई बात नहीं, हम लोग कोशिश करेंगे कि आपका वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करवाएंगे ताकि आपका भाई आपका इनका बेटा मिल जाए। तो जो भी लोग देख रहे हैं, अगर ये व्यक्ति गुमशुदा है जो पटना से बेगूसराय से चलकर पटना गया था, वहाँ पर लापता हो गया है और छोराही प्रखंड का है, और जो भी अगर जिसको भी दिखता है आप संपर्क करें और या फिर हमें भी कमेंट करें इस वीडियो को देख देख कर, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि एक एक माँ को उसका बेटा मिल जाए और भाई को उसका भाई मिल जाए।